जिनको पता होता है कि भाई ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारे चैनल को बेनिफिट होगा, वही चैनल वो दूसरे चैनल को ज्वाइन करता है। यूट्यूब के ऊपर आपने काफ़ी सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जिनके नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलता है, मतलब आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइन तो कर लोगे, कोई बात नहीं, आप कुछ पे करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लोगे, लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं इस चैनल को ज्वाइन करूं ताकि मेरे चैनल को फ़ायदा हो या फिर मुझे फ़ायदा हो, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी है। हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो के ऊपर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी का चैनल ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है ज्वाइन बटन, ऐसे आपने काफ़ी सारे चैनल के अंदर देखा है कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ऐसे चैनल है जिनके नीचे ज्वाइन बटन होता है, तो आपको अगर वह चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही लिख रखे हैं कि भाई अगर हम किसी के चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ बेनिफिट होगी, मतलब क्या क्या चीज़ हम उस चैनल से सीख सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ हमारे चैनल को बेनिफिट होगा, हमारे चैनल को, क्योंकि हमने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, मतलब ज्वाइन किया है, सॉरी, हमने उनके चैनल को ज्वाइन किया है, तो हमारे चैनल को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी के चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर कि कैसे हम किसी के चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो आप अभी फ़ायदा समझ लो कि ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। अगर आप किसी के चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक ऐसा मेंबर बना दिया जाता है कि आपको जैसे उसकी ऑडियंस है 3 मिलियंस की, उसकी ऑडियंस है 2 मिलियंस की, तो मतलब एक ऑडियंस ऐसी है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, मतलब सॉरी ज्वाइन कर रखा है, तो उसको आपको उठा के अलग से बैठा दिया जाता है कि आप उससे इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है, आप इस चैनल के से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब आपने उसके चैनल को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद जब वह लाइव आएगा तो आपके जो कमेंट होंगे वो हाईलाइट रहेंगे। आपने देखा होता है कि जब कोई लाइव आता है तो उसके अंदर कमेंट ऐसे चलते रहते हैं सेम फॉन्ट के अंदर, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, आपने उसके चैनल को ज्वाइन कर रखा है और आप कमेंट करोगे, तो आपका कमेंट हाईलाइट रहेगा, बाकी कमेंट स्पीड में भागते रहेंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे, आपने उनके चैनल को ज्वाइन कर रखा है, तो आपका कमेंट हाईलाइट रहेगा और धीरे धीरे जाएगा, ताकि जो मतलब जिसका चैनल है, जो क्रिएटर लाइव आया हुआ है, वह आपके कमेंट को पढ़ के, आपने जो चीज़ पूछी है उसका आपको रिप्लाई कर सके, आप कुछ भी चीज़ आप पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा आप वह अगर चाहता है कि जो मेरे चैनल को ज्वाइन करेगा मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ या फिर ऑडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको वहाँ पे ज्वाइन करने से पहले सारी चीज़ बता देगा। अगर आप हमारे चैनल को इतनी पेमेंट से ज्वाइन करते हैं तो आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी, या फिर इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके बाद आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ तो होती है, वो खुद देता है क्रिएटर यूट्यूब की तरफ से, तो आपके कमेंट हाईलाइट रहते हैं जिससे आपको लाइव के अंदर आपको रिप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वह जो क्रिएटर होता है वो अलग से और फीचर्स देता है, और चीज़ें आपको देता है ताकि आप उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सको। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक लाइव होती है वो सब्सक्राइबर्स के लिए होती है, जिसके अंदर हर सब्सक्राइबर कमेंट कर सकता है। एक लाइव होती है जो ज्वाइन कर रखी है ना उनके लिए, मतलब स्पेशल जो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके चैनल को, कमेंट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वही कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हर कोई ज्वाइन नहीं करता है, जिसको ज़रूरत होती है, जिनको पता होता है कि भाई ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारे चैनल को बेनिफिट होगा, वही चैनल वो दूसरे चैनल को ज्वाइन करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने चैनल को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर हम हमारे चैनल को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके चैनल को ज्वाइन करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके DM कर सकते हैं, और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।